अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अब्दअ अल अफलाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबियन व आदम बैनल माई व तीन व अला आलिही व असहाबिही तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। محترم برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। حصول برکت کے لیے آئیے مراپل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार शफीए रोज़े शुमार महबूब परवरदिगार अरवाहु नाफिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम की बारगह बेकसपना में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا। قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقل جاء الحق وزهق الباطل। آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا। इन्नल बातिल कान ज़हूका, बातिल को मिटना ही था। कुरान करीम की इस आयत से इतना तो पता चलता है कि एक हक है और एक बातिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हक आया तो बातिल मिट गया। हक जब जाहिर होता है तो बातिल खुद ब खुद छुप जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। यहाँ से एक बात यह भी जाहिर हुई कि हक के मुकाबले में बातिल ज़रूर रहता है। अगर हक और बातिल ये दोनों की कश्मकश ना हो तो फिर हक को पहचाना कैसे जाए। जब कोई बातिल होता है तो उसके मुकाबले में हक को पहचाना जाता है। इसीलिए अरबी ज़बान में एक बड़ा मशहूर मकूला है, अल अशिया तुअरफु बि अज़दादिहा, चीज़ें उनकी ज़िद से पहचानी जाती हैं। अपोज़िट जो चीज़ होती है उससे समझ में आती है। जैसे दिन रात की वजह से पहचाना जाता है, अगर रात ही ना हो तो दिन ही दिन हो तो फिर दिन की शनाख्त क्या है। हर चीज़ उसकी ज़िद उसके अपोज़िट से पहचानी जाती है और उसकी हकीकी मारिफत भी हासिल हो जाती है। रोशनी उसके मुकाबिल में तारीकी है, उजाला उसके मुकाबिल में अंधेरा है, इल्म उसके मुकाबिल में जहल जहालत। एक है जहालत और एक है इल्म। हमारे मजहब हक दीन इस्लाम को हक कहा गया क्योंकि ये सरापा हक है। हर एतबार से हक की सारी निशानियां इसके अंदर मौजूद हैं और बातिल जिसमें कभी भी कामयाबी नहीं है, बातिल एक अंधेरा है, बातिल एक तारीकी है, यानी कुछ ऐसे नज़रियात कुछ ऐसे ख्यालात कुछ ऐसे बनाए हुए गढ़े हुए अकायद जिनको बातिल कहा गया, वो एक अंधेरे के मिसल है। उसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ घूमता फिरता रहता है, उसे मंजिल नहीं मिलती है। उसके मुकाबिल हक हक की राह में चलने वाला उसको मंजिल सामने नज़र आती है। वो मंजिल के लिए कभी तलाश में सरगर्दा नहीं होता है बल्कि मंजिल उसकी निगाहों के सामने होती है। और बातिल की राह में चलने वाला अंधेरी राह में चलने वाला
अंधेरे रास्ते पर चलने वाला वो मंजिल की तलाश में होता है मगर उसे मंजिल मिलती नहीं है, वो भटक कर रह जाता है। हक और बातिल की एक जाहिरी पहचान है, इसी तरह से हक की एक पहचान ये भी है, अरबी में ये मकूला भी है, हदीस पाक का मफहूम भी है, अल हक यालू वला युला, हक बुलंद होता है उस पर कोई चीज बुलंद नहीं हो सकती, यानी हक बुलंद होता है, हक गालिब आता है और जो बातिल है वो मगलूब होता है, मगलूब यानी वो बिल्कुल पसपा है, वो नीचे है, और हक की बुलंदी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कुरान करीम में जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हक आ गया और बातिल मिट गया, तो फरमाने खुदावंदी से हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि हक ही बुलंद रहेगा, बातिल चाहे कितनी ताकत के साथ वजूद में आए लेकिन बुलंदी उसे कभी नहीं है, बातिल को कभी तरक्की नहीं है। अब अकायद के बाब में बातिल क्या है उसको मैं बाद में आपके सामने पेश करूंगा, आमाल के बाब में चूंकि इसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा जल्दी जाती है और बहुत जल्द बात समझ में आ जाएगी। जैसे सच्चाई और झूठ, ये जो आम तौर पर हमारी जबान से जारी है, एक है सच्चाई और एक है झूठ। सच और झूठ में जब मुआजना किया जाता है तो हर इंसान, जो भी अक्लमंद इंसाफ पसंद इंसान होगा, यही कहेगा सच को कामयाबी है, झूठ को कामयाबी नहीं है। सच हमेशा गालिब होता है और झूठ कभी गालिब नहीं होता, वक्ती तौर पर अगर गालिब हो भी जाए, क्योंकि कभी कभी झूठ को भी ज़ाहिरी ताकत और गलबा मिलता है मगर वो हमेशा के लिए नहीं है, वक्ती तौर पर है, फिर सच गालिब आता है और झूठ को पसपा होना है। ये एक छोटी सी मिसाल है, सच्चाई हमेशा गालिब होती है और झूठ हमेशा मगलूब है। इसी तरह से किरदार के एतबार से अगर देखा जाए तो अच्छे किरदार वाला इंसान हमेशा बाइज्जत होता है और बुरे किरदार वाला इंसान हमेशा बाइज्जत नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो जलील ज़रूर होता है, और अच्छे किरदार वाला इंसान वो जलील नहीं होता है, उसको लोग परेशान तो करते हैं लेकिन अल्लाह ताला उसे इज्जत देता है, उसे इज्जत की बुलंदी अता फरमाता है। यह है हक और बातिल की एक पहचान, जो आम तौर पर जिसको हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा मामलात में महसूस कर सकते हैं। यूँ अगर देखते चले जाएं तो यकीनन हमारा मुकम्मल निज़ाम इस्लाम ही हक है, इस्लाम का मुकम्मल निज़ाम ये मुकम्मल हक है, सरापा हक है, हर हुक्म हक है, हर फरमान हक है, चाहे वो कुरान करीम की रोशनी में हो या हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में हो, ये हक है। तो कुरान मुकद्दस और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की रोशनी में जो हमें दीन मिला वही दीन हक है, और इससे हटकर या इसके खिलाफ जो है वो बातिल है। बिल्कुल सीधा सादा तर्जुमा और सीधा मफहूम अगर हक और बातिल का हम पेश करें तो अल्लाह ताला के फरमान से जो चीज़ जाहिर है वो हक है, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के फरमान से जो जाहिर है वो हक है, और जो फरमान खुदा और फरमान मुस्तफ़ा के खिलाफ है वो हक कभी नहीं हो सकता, वो बातिल ही है। अब आइए तारीख़ का अगर हम मुताला करते हैं तो तारीख़ में हमने देखा हमेशा हक और बातिल की लड़ाई रही है, हक और बातिल के दरमियान जंग रही है, हक और बातिल हमेशा आपस में मुकाबिल रहे, नबरद आजमा रहे, कहीं कहीं पर हक के मुकाबले में बातिल बड़ी ताकत के साथ आया लेकिन अल्लाह ताला ने हक को ही कामयाबी और बुलंदी अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अगर देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तनहा हक लेकर के आए थे और नमरूद पूरी फौज के साथ था लेकिन कामयाबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली। नमरूद ज़ाहरी तौर पर बादशाह भी है, करोफर वाला है, हुकूमत है, सल्तनत है,
हथियार है, असबाब है, वसाइल है, सब कुछ है, लेकिन हक उसके पास नहीं था। हक जबानी इब्राहिम से जाहिर हो रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक पर कायम रहे, लेकिन आपने ये भी देखा वक्ती तौर पर कभी बातिल हक को पस्पा करने और नीचा दिखाने की कोशिश में अपनी सारी ताकत सर्फ कर देता है। नमरूद ने हक की आवाज़ को दबाने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का प्लान बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने हक को ऐसी कामयाबी अता फरमाई कि रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम हो गई कि हक पर कायम रहने वाला अगर आग में भी डाला जाता है तो वह आग उसे जलाती नहीं है, बल्कि वो गुले गुलजार बन जाती है। हक पर कायम रहने वाला हमेशा अल्लाह ताला का महबूब है। हक पर कायम रहने वाला वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। हक की जबान बोलने वाला वक्ती तौर पर अगर दुनिया वाले उसको लान तान करें, उसको गाली गलौज करें और उसे पस्पा करने, उसे बेइज्जत करने की कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला उसी हक पर रहने वाले को ही मदद फरमाएगा। यही तारीख हमें बताती है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तारीख यही है। यहाँ तक कि हमारे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने जब हक का ऐलान फरमाया, हक आपने जाहिर फरमाया, तो उस वक्त आपके कितने दुश्मन बन गए, यहाँ तक के खानदान वाले दुश्मन बन गए, करीबी खानदान वाले दुश्मन बन गए, और आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपके गले में चादर का फंदा डाला गया, आपके जिस्म पर गलाजत कचरा फेंका गया। मगर हक पर कायम रहने का अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसा अजीम सिला अता फरमाया कि रहते रहते जिन लोगों ने बातिल ताकत को बहुत ज़्यादा उरूज पर लाने की कोशिश की, या तो वो इस्लाम के दायरे में आ गए, या तो मुकम्मल कुफ्र की हालत में वो ख़त्म हो गए, मर गए, और उनकी सारी तवानाई और उनकी सारी कोशिशें ख़त्म हो गई। मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने ऐलान हक फरमाया था, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के दीन की तरफ आओ। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने अल्लाह के दीन की दावत दी, लोगों को दीन की तरफ बुलाया, लेकिन हक जाहिर होने के बाद भी कुछ लोगों ने मुखालफत की, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सताने की कोशिश की, लेकिन चंद दिनों के बाद दुनिया ने देखा, तारीख शाहिद है कि वो सताने वाले जलील हो गए, मगर अल्लाह के रसूल और उनके मानने वाले वो बाइज्जत हो गए। आज भी कुरान उनकी मग़फ़िरत का ऐलान कर रहा है, आज भी कुरान उनकी हयात जावेदानी का ऐलान कर रहा है कि जिन्होंने अपनी जान हक के लिए कुर्बान कर दी वो आज भी जिंदा हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में सारी बहारें अता फरमाई हैं और वो जन्नत में टहल रहे हैं। तो हक पर कायम रहने वाला, हक की आवाज़ बुलंद करने वाला हमेशा गालिब होता है, हमेशा कामयाब होता है, और बातिल की तरफ तवज्जो करके या बातिल के रास्ते में चलने वाला वक्ती तौर पर उसके पास ज़ाहिरी दुनिया के असबाब व आराम आयशो आराम के होते हैं, लेकिन कामयाबी उसके लिए नहीं है। आज हमें एक मोमिन होने की हैसियत से, अल्लाह के बंदे होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से ये भी समझना ज़रूरी है कि हक आ गया है, जिस हक को हमने दिल से मान लिया है, जिस दीन हक को हमने मान लिया है, उस दीन हक के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए, हमारी उसके लिए कुर्बानी कितनी होनी चाहिए। आज बहुत कम ऐसी तवज्जो नज़र आती है कि अल्लाह के दीन की तरफ तवज्जो इस तौर पर हो कि हक के लिए हमें कायम रहना है। आज बात आ जाती है हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए, लोग या तो बिरादरी को देखते हैं, समाज को देखते हैं, ख़ानदान को देखते हैं कि अगर हक बोलूँगा तो समाज वाले मेरे दुश्मन बन जाएंगे, पूरे मुआशरे में लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरा नातका बंद कर देंगे, मेरा बायकॉट हो सकता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने कभी ये नहीं सोचा, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम जबकि अल्लाह ने उन्हें मालिक कौनैन बनाया है, मक्का मुकर्रमा में हक की आवाज़ बुलंद करने के बाद 3 साल तक शेब अबी तालिब में आपको महसूर कर दिया गया, आपका बायकॉट कर दिया गया, कोई मिल नहीं सकता है, कोई आपके करीब नहीं आ सकता है, खाना पीना तक बंद कर दिया गया, मगर रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए दीन हक की तबलीग फरमाते रहे।
लोगों के सामने आपने यही फरमाया कि मुझे अल्लाह ने इसीलिए भेजा है, मुझे अल्लाह ने दुनिया में इसीलिए भेजा है ताकि मैं उसके पैगाम तो तुम अब तक पहुंचा दूं, और दीन हक का पैगाम मुझे पहुंचाना है। लिहाजा इस सिलसिले में अगर कोई मुझे तकलीफ देता है तो अल्लाह की राह में तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि अल्लाह उससे राजी होता है। आज हमारी कौम को इसका एहसास करना जरूरी है। आइए आप देखें, मैं ये एहसास इसलिए दिलाना चाह रहा हूं, आज हमारी कौम का एहसास बहुत ही ज्यादा सर्द पड़ गया है, एहसास ठंडा हो गया है, एहसास बेदार करना जरूरी है। क्योंकि मोमिन होने की हैसियत से जब तक हमारी ईमानी गैरत बेदार नहीं होगी उस वक्त तक अल्लाह की रजा हासिल नहीं होगी। फकत हमारे लिए चंद नेकियां करके हम ये सोच लें कि हमसे अल्लाह राजी है, यकीनन ये हमारी खाम ख्याली होगी, बल्कि नेकियों के साथ साथ ईमानी गैरत को बेदार करना जरूरी है। आइए आपको मैं तारीख इस्लाम का वो सुनहरा बाब बताऊं। आप तारीख इस्लाम के वो औराक अपने सामने रखें कि अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा इकराम के पास क्या नेकियों की कमी थी, क्या उनके पास नमाजों की कमी थी, क्या उनके पास रोजों की कमी थी, क्या उनके पास अल्लाह की रजा के कामों की कमी थी? बेशुमार नेकियां हैं। वो हजरत अबू बकर से देख रदियल्लाहु अन्हु जिनके बारे में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि आसमान में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां उमर फारूक की हैं, और फिर हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर की एक नेकी ये सारे सितारों के बराबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आदम, ये वो जलील कद्र सहाबा हैं, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा में गुजारी। नेकियां एक तरफ हैं, इबादत एक तरफ है, बंदगी एक तरफ है, लेकिन गैरत ईमानी का आलम यह है कि अगर सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सिर्फ ये फिक्र लाहिक होती है कि दीन हक के लिए हमने क्या किया है, दीन हक के लिए हमने क्या किया है, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए हमने क्या किया है, ये फिक्र हमेशा होती थी। आलम यह है कि एक मरतबा हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के सामने एक मसला आया, जब आपकी खिलाफत का दौर था, एक मसला ये आया कि कुछ लोग जकात के मुनकिर हो गए, जकात का इनकार करने लगे हैं, जबकि जकात इस्लाम का एक फरीजा है जो कुरान से साबित है, अहादीस से साबित है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जलाल में आ गया, आपने फरमाया मुनकिरीन ने जकात के खिलाफ हम जिहाद करेंगे, इसलिए कि जो अल्लाह के दीन के खिलाफ अगर हमारे सामने कोई आवाज बुलंद करता है तो अल्लाह के दीन का बागी है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके खिलाफ जिहाद फरमाया, यहां तक कि आपने फरमाया अगर एक रस्सी भी जिहाद जकात में आती है और उन्होंने देने से इनकार किया तो हम उनके खिलाफ जिहाद करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के इस जज्बे ईमानी और गैरत ईमानी को देखकर हजरत उमर फारूक आदम रदियल्लाहु अन्हु जो कि खुद ईमान और दीन के मामले में बड़े सख्त है, वो कहते हैं अय अबू बकर यकीनन वो कलमा गो हैं, उनके मुतालिक थोड़ी सी नरमी की जाए, उनके मुतालिक थोड़ा सा नर्म रवैया इख्तियार किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जबकि बड़े ही नर्म दिल इंसान हैं, लेकिन जब दीन हक की बात आती है वहां सख्त होकर के आप फरमाते हैं नहीं, उन्हें पहले समझाएंगे, अगर वो मान जाएंगे तो बेहतर है, और अगर नहीं मानते हैं तो हम उनके खिलाफ जिहाद करेंगे। ये उस दौर की बात है, तारीख इस्लाम और हमारे इस्लामी दौर का इब्तदाई दौर है, इस्लामी तारीख का इब्तदाई दौर है। आज उन्हीं वाकयात और उन्हीं हालात को लेकर के हमें सबक हासिल करना है कि आज हमारे दरमियान भी दीन के खिलाफ अगर कोई चीज सामने आती है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसे दूर किया जाए, उसे खत्म करने की कोशिश की जाए। क्योंकि हमारे आका अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं मन रहा मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही, तुम में से कोई अगर बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से रोके, अपने हाथ से उसे बदल दे, उसे रोकने की कोशिश करे, उसे बंद करने की कोशिश करे। फमल्लम यस्तत्या फबिलिसानिही, जो हाथ से रोकने की इस्तेतात और ताकत नहीं रखता है तो वो जबान से रोके। अल्लाह ने जबान तो दी है, जबान से हम कह सकते हैं ये बुरी चीज है, ये गलत बात है, इसको मत करो।
और हुजूर फरमाते हैं फमन लम यस्तति' फबी कल्बी ही, जो जबान से भी बोलने की ताकत नहीं रखता है, इतना कमजोर हो गया है कि अगर जबान से बोलेगा तो भी उसका नुकसान ज्यादा होगा, यानी उसको लोग मार डालेंगे, तो ऐसी सूरत में हुजूर फरमाते हैं दिल से उसको बुरा जाने, दिल से बुरा जाने। वमा बाद ज़ालिका हब्बतु खर्दलिन मिन ईमान, और अगर दिल से भी बुरा नहीं जानता है तो अब उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं रह गया, ईमान खत्म हो गया है। बुराई को देखने के बाद भी अगर उसे एहसास नहीं है तो हुजूर फरमाते हैं उसका ईमान खत्म हो गया है, ईमान रुखसत हो गया है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं, गैरत ईमानी कहां चली जाती है जब बेहयाई और बुराइयों को हम देखते हैं। और तुरफा तमाशा यह है कि अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो लोग कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, ये कुछ ज्यादा ही रोकने की कोशिश करते हैं। सुन लो, अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आलिम हक को बुलंद नहीं करता है, हक की जबान नहीं बोलता है और बातिल के खिलाफ अगर अपनी जबान को रोकता है और जरूरत है वहां पर हक का इजहार करना, अगर उसके बावजूद हक जाहिर नहीं करता है तो मैदान कयामत में उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। ये उलमा की जिम्मेदारी है कि हक जाहिर करे, बातिल के बारे में बताए लोगों को कि ये बातिल है, ये गलत है, ये बुरी चीज है। आज हमारे मुआशरे में जो बुराइयां परप रही हैं, जो बेहयाई आम की जा रही है, हम उसके खिलाफ बोलते हैं और इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। और हमारे खिलाफ अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उससे मैं इतना अर्ज करूंगा कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो ये जाती तौर पर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं पूरे मोहल्ले में मुझे किससे जाती दुश्मनी नहीं है, किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। मैं जो बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ हक के लिए बोलता हूं, बेहयाई को दूर करने की बात करता हूं। आज हमारी मस्जिद के सामने बेहयाई का अड्डा बनाया गया और बाकायदा फिल्म इंडस्ट्रीज को बुला करके यहां पर बेहयाई की जा रही है, अगर हम ना बोले तो कौन बोले। लिहाजा इस सिलसिले में मैं इल्तिमास करूंगा, गुजारिश करूंगा, पहले उसकी जड़ की तरफ आप देखें। बज़ाहिर देखने में हमारे नौजवानों को एक अच्छी चीज लग रही है, लज्जत मिल रही है, खुशनुमा मंजर दिख रहा है, जो फिल्म वहां जाके देखते थे यहां शूटिंग देख रहे हैं उनको बज़ाहिर अच्छा लग रहा है, लेकिन याद रखो ये बेहयाई अखलाक को बर्बाद करने वाली चीज है। हमारी औलाद तबाह हो रही है, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, लिहाजा मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि हमारी औलाद और हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद होगी और उनकी निगाहों में हुस्न मुस्तफा नहीं होगा, दुनिया का हुस्न होगा। तो न माँ का एहतराम करेंगे, न बहन का एहतराम करेंगे, न बेटियों का एहतराम करेंगे। और साथ ही साथ सुन लो, जब तक ये बेहयाई होती रहेगी, फिल्म इंडस्ट्रियों को यहां बुलाने लगेंगे और इस तरह की शूटिंग होती रहेगी और फिल्म को अच्छा समझा जाएगा, याद रखो उससे तुम्हारा दीन तुमसे रुखसत हो जाएगा, दिल से ईमान निकल जाएगा, मोहब्बत रसूल का चिराग खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरत है कि गैरत ईमानी को बेदार करते हुए इसे दूर करना है। आज बात आती है हक की, तो बाज लोग ये कहते नजर आते हैं कि पैसे की वजह से, दौलत की वजह से कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं कि उनको बुलाया जाता है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बात सुनकर के मेरा दिल कांप गया, अल्लाहु अकबर, आज हमारे मुसलमान भाई किस कदर पस्ती और जिल्लत की तरफ जा रहे हैं कि चंद रुपये के लिए अपनी अपनी औलाद को और अपनी नस्ल को बर्बाद करता हुआ देखना पसंद कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद होता हुआ देखना पसंद कर रहे हैं। सुन लो, इसकी वजह से अगर एक बच्चा भी बेहरारवी का शिकार हो गया, माँ बाप का नफरमान हो गया, तो जिंदगी भर उन लोगों पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत होती है। इसलिए इन तमाम बुराइयों को यहां से दूर करना जरूरी है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तालीमात की रोशनी में सहाबा इकराम ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान ले आए, दीन को उन्होंने अपने सीने से लगाया, उसके बाद उनका ईमानी जज्बा देखिए, उनकी गैरत ईमानी देखिए। हजरत मुसअब इब्ने उमैर रदियल्लाहु अन्हु, जो कि एक बड़े अच्छे खानदान के बेटे थे, यानी माँ बाप उनके बड़े दौलतमंद थे, लेकिन
और उनकी जिंदगी इतनी खुशहाली में गुजरती थी, रोजाना एक नया लिबास चेंज करते थे, बेहतरीन खुशबू लगा करके जाते थे, पूरे मक्का में मशहूर हो गया था मुसअब बड़ी बेहतरीन खुशबू लगा करके जाता है, क्योंकि माँ बाप जब मालदार होते हैं, माँ बाप के पास दौलत ज्यादा होती है तो बेटे बहुत ज्यादा ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते हैं। यही हाल हजरत मुसअब इब्ने उमैर का था। इन्हें इस्लाम लाने से पहले बड़ी खुशहाल जिंदगी थी और दौलत के नशे में होते थे, लेकिन जब बारगाह मुस्तफ़ा में आ गए हैं, उसने मुस्तफ़ा को देख लिया है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गए, उन्होंने दौलत को ठोकर मार दिया और मौला से कहा, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे आका का तलवा काफी है। बारगाह मुस्तफ़ा में आ गए, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गए, ईमान लाने के बाद उन्होंने दीन सीखना शुरू किया, दीन की तालीम हासिल की और एक नजर उठा करके अपने घर और अपनी दौलत की तरफ नहीं देखा, एक लिबास में रहते थे। कभी उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज नहीं किया, या रसूल अल्लाह मेरे पास लिबास नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ करके आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, उन्होंने शिकायत नहीं की है। अल्लाहु अकबर, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम उन पर इतना करम फरमा रहे हैं कि उन्हें हुजूर ने दीन सिखा दिया है, बल्कि दीन पिला दिया है। यही वो मुसअब इब्ने उमैर हैं जो सबसे पहले मुबल्लिगे इस्लाम बने, मक्का से मदीना जा करके दीन की तबलीग फरमा रहे हैं, लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कैसे माहौल से निकले, लेकिन जब जिन्होंने हजरत मुसअब इब्ने उमैर ने दीन को जब अपने सीने से लगाया है, मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन हुआ है, उसके बाद उनकी जिंदगी का एक ही टारगेट है, वो यही चाहते हैं कि दीन मुस्तफा लोगों तक पहुंच जाए, अल्लाह का दीन लोग कबूल कर लें। इसी में उनकी पूरी जिंदगी गुजर रही है। और फिर जब हिजरत का मामला हुआ, मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा आए, फिर जंगों का सिलसिला शुरू हुआ, यहां तक के जंगे उहद में हजरत मुसअब इब्ने उमैर शहीद हुए। दीन की राह में आपने अपना सब कुछ लुटा दिया। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु तआला, ये बड़े जलील कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में हैं। एक मर्तबा उनके सामने खाना लाया गया, चूंकि आप रोजे से थे, पानी पीकर आपने इफ्तार कर लिया, जब खाना देखा दो तीन किस्म का खाना था, देख करके आपके आंखों में आंसू आ गए। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु तआला रोने लगे, पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं, हमारे साथी, हमारे साथ दीन की खिदमत करने वाले मुसअब इब्ने उमैर थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने उनकी खिदमत ऐसी कबूल फरमा ली कि वो दुनिया से रुखसत हुए, यानी जब शहीद हुए, उनको कफन देने के लिए कपड़ा नहीं था, कफन देने के लिए उस वक्त कपड़ा नहीं था, उनके पास एक चादर थी और उस चादर को जब डाला जा रहा था, यानी सर छुपाया जाता तो पैर खुल जाते थे, और जब पैर छुपाया जाता तो सर खुल जाता था। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, मुसअब इब्ने उमैर को कफन देने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया, उसी चादर को उनके सर पर ढांक दो और पैरों पर इज़खिर घास डाल दो। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ये बयान करके रो रहे थे। आज हमारे पास अच्छे खाने आ गए हैं, लेकिन एक वो दौर था कि खाने की तो बहुत दूर की बात है, पहनने के लिए लिबास नहीं था। ऐसे भी अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाले अल्लाह के बंदे जो दुनिया से रुखसत हुए, जिन्होंने दौलत को करीब आने में पसंद नहीं किया बल्कि अल्लाह के दीन को पसंद किया है। इसी तरह से हजरत अनस इब्ने नद्र रदियल्लाहु अन्हु, जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि मेरी खिदमत दीन की राह में क्या है, जंगे बद्र में शरीक होने का मौका ना मिल सका था, तो उनको बड़ा अफसोस हो रहा था कि जंगे बद्र में मैं नहीं जा सका, इसलिए कि मुझे खबर नहीं हुई थी। और उसी वक्त से उनके दिल में एक तमन्ना थी, फिर मुझे कभी जिहाद का मौका मिल जाए, जंग में जाने का मौका मिल जाए, तो मैं अल्लाह की राह में अपनी सारी कुर्बानियां पेश करूंगा। वही हजरत अनस इब्ने नद्र रदियल्लाहु नज़र इब्ने अनस रदियल्लाहु हजरत अनस इब्ने नद्र रदियल्लाहु तआला जंगे उहद में बड़ी जाबाजी के साथ अपनी शहादत हासिल कर लेते हैं। इस एक मरतबा हजरत अनस के मुतालिक लोगों ने पूछा कि उनकी लाश कैसी थी, उनको कैसा पाया गया, तो बताने वाले ने बताया कि वो इस तरह से शहीद हुए हैं कि उनके जिस्म पर 80 जख्म लगे हुए थे, उनके जिस्म को पहचाना नहीं जा रहा था, उनकी बहन ने उनके उंगलियों के पोरों को देख करके पहचान लिया, ये हजरत अनस है। ये हाल था उन सहाबा का जिन्होंने दीन को हम तक पहुंचाने के लिए, अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज उस दीन मुस्तफा को
हमें लेना है, अमल करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, लेकिन आज हाल यह है कि उसी दीन मुस्तफ़ा के खिलाफ अपने घरों तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है और घर वालों को इसरार किया जा रहा है, घर वालों पर दबाव डाला जा रहा है कि बेहयाई को कबूल कर लो चाहे कड़वा घोट हो। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी इल्तिमास है, गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते इन तमाम बेहयाइयों से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें, इसलिए कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाद फरमाते हैं, जहाँ बेहयाई आम हो जाती है वहाँ से ईमान रुखसत हो जाता है। अभी ईमान की बात इंशाल्लाह अभी आई नहीं है, हक और ईमान इंशाल्लाह उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन ईमान के रुखसत होने का यानी ईमान के दिल से निकल जाने का एक सबब, जैसा कि हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं, जिस घर में बेहयाई ज़्यादा हो जाए, जिस इलाके में बेहयाई बुराइयाँ ज़्यादा हो जाएँ और लोग बेहयाई और बुराई की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो रहे हैं, वहाँ से उनके दिलों से ईमान ख़त्म हो जाता है, ईमान रुसत हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला अमन व अमान को उठा लेता है, उनके मुताबिक कोई अमान नहीं होती है, फिर दुश्मन उन पर गालिब आते हैं, दुश्मन उन्हें बेइज्जत करते हैं, जलील रुस्वा करते हैं, अपने पैरों तले उन्हें रोकते हैं। इसलिए ईमानी गैरत को बेदार करो, ईमानी हयात अपने अंदर पैदा करो, ईमानी हरारत अपने अंदर पैदा करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला का ये फरमान आलीशान भी है, वल असर जमाने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान घाटे में है, इल्ला लदीना आमनु व अमिलु सालिहात, मगर जो ईमान वाले और नेक अमल वाले हैं वो घाटे में नहीं हैं, वो कामयाब हैं। वतवासौ बिलहक वतवासौ बिसब्र, जिन्होंने हक की वसीयत की, हक की तलकीन की, हक के मुतालिक लोगों को नसीहत की और साथ ही साथ सब्र की तलकीन की। लिहाजा आज ज़रूरत इस बात की है कि खुद भी अपने लिए और अपने घर वालों के लिए ईमानी गैरत बेदार करते हुए बेहयाइयों से रोकने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए।